हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मिथिलेश कुमारी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने फेवरेट चैनल सिद्धार्थ सर लाइव क्लासेस में। और आज मैं फिर से लेके आई हूं आपके लिए 20 MCQ, वो भी साइंस सब्जेक्ट के। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गंधक गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सल्फोनीकरण, दूसरा ऑप्शन है वल्नीकरण, तीसरा ऑप्शन है बेसिमेरीकरण, चौथा ऑप्शन है ग्लुएनीकरण। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, वल्कनीकरण। तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे है, ए उत्सर्जन, बी प्रसरण, सी श्वसन से, डी पाचन रस से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। नींबू का केकर रोग होता है, तो नींबू का केकर रोग किससे होता है, ए कवक से, बी जीवाणु से, सी वायरस से, डी निमेंटा दे से। तो जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, जीवाणु से। बहुचर्चित लोग रोग ब्लास्टर झोंका किससे संबंधित है, ब्लास्टर कह लीजिए या झोंका किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है धान से, ऑप्शन बी मक्का से, ऑप्शन सी गेहूं से, ऑप्शन डी ज्वार से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है धान से। विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च किस तिथि को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो और पहला ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से, दूसरा है झींगा उत्पादन से, तीसरा है खनिज तेल के उत्पादन से, चौथा है खदान उत्पादन से। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झींगा उत्पादन से। ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप है, तो ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है ब्रह्मांड में। ठीक है, इससे नीचे का तापमान नहीं होगा, यही ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा न्यूनतम संभव तापमान है, -273 डिग्री सेल्सियस, याद कर लीजिए। इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, आप 0 डिग्री सेल्सियस भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको याद करना है -273 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया, जेपक परकिंस या ओलिवर एवांस ने, बी फेराडे ने, सी जेम्स रिंसी ने या एडिसन ने। तो इसका जो राइट आंसर ए, जेपक परकिंस या ओलिवर एवांस ने। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, सी विद्युत धारा का या डी चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत धारा का। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, ऑप्शन ए टीमोथी बिल को, ऑप्शन बी बिल गेट्स को, ऑप्शन सी रे टॉमलिंसन को, ऑप्शन डी लिंकन गोलिट्सबर्ग को। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है इसका, रे टॉमलिंसन को माना जाता है ईमेल का जन्मदाता। किसको माना जाता है, रे टॉमलिंसन को। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है,
कौन सा है? कल्पना चावला, बी परम, सी ब्लू जीन, डी कोलंबिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलंबिया। तत्व जो अमलगम में होता है, वो तत्व जो अमलगम में होता है तो इसका एम जी मैग्नीशियम, एच जी एफ ई आयरन, एम जी मैन। अब इनमें से कौन सा राइट है? अमलगम में क्या होता है? 13 का बी। तो अमलगम में क्या होता है? एच जी। नोसदार का सूत्र क्या है? NH4N3 NaOH, NH4Cl, Na2CO4। तो इनमें से जो राइट है नोसदार का सूत्र है ऑप्शन सी NH4Cl, NH4Cl, ये है नोसदार का सूत्र। मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ऑप्शन ए ठोस में ठोस का विलय, ऑप्शन बी गैस में गैस का विलय, ऑप्शन सी गैस का द्रव में विलय, ऑप्शन डी ठोस का द्रव में विलयन। तो मिश्र धातुएं होती हैं ठोस में ठोस का विलयन होती हैं मिश्र धातुएं। ठीक है, तो ये याद रखिए ठोस में ठोस का विलय जो होता है वो मिश्र धातुएं होती हैं। श्वसन दर सबसे कम होती है, कब होती है? दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय, भोजन खाते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय। तो इसका राइट आंसर है हम जब सोते हैं, जब कोई काम नहीं करते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, खर्राटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। वायरस की संरचना होती है, वायरस की संरचना कैसे होती है? बहुकोशिकीय होती है, एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय होती है, अकोशिकीय होती है, या डी स्वतंत्र जीव होती है। तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आकोशीय होती है। आलू का रंग, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए सेलोलिन, ऑप्शन बी धुरीन, ऑप्शन ए कोलेस्टीन, ऑप्शन डी एलाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर है ए सेलोलिन के कारण होता है आलू का रंग हरा। दूध में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ए एल्ब्यूमिन, बी केसिन, सी ग्लोबिन, या डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है 90 का ऑप्शन बी, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं? ए न्यूजीलैंड, बी डेनमार्क, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश की गाय टी कप काउ के नाम से जानी जाती है? वो है ऑप्शन सी भारत की गाय टी कप काउ के नाम से जानी जाती है।